हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनमोल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग। आज की वीडियो जो है वो इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास के बारे में है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने टेंस के बेसिक जानकारी के बारे में बताया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के माध्यम से किसी भी कार्य की वर्तमान स्थिति का पता चलता है। इस टेंस में कार्य जो होता है वो प्रेजेंट समय यानी वर्तमान समय में होता है। इस प्रकार के काल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का जो रूल रहता है उसको हम जानते हैं। इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस को जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जैसे आई, वी, यू और बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है एंड लास्ट जो होता है वो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें यस या ईएस को हम ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। दूसरा उदाहरण है तुम नदी में नहाते हो, यू वॉक इन अ रिवर। एंड मोहन साइकिल चलाता है, मोहन राइड्स अ बाइसाइकिल। आप स्ट्रक्चर की हेल्प से और भी काफी सारे उदाहरण बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकेंड टाइप है वो है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम समझते हैं। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम नदी में नहीं नहाते हो, यू डू नॉट वॉक इन अ रिवर। मोहन साइकिल नहीं चलाता है, मोहन डज नॉट राइड ए बाइसाइकिल। तो इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसको बनाने का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण से हम और समझते हैं। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। तुम नदी में कब नहाते हो, व्हेन डू यू वॉक इन ए रिवर। क्या मोहन साइकिल चलाता है, डज मोहन राइड अ बाइसाइकिल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो चौथा टाइप है वो निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें दो रूल रहते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस है और उसके स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द रहता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस है और उसके बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक है तो उसको जो स्ट्रक्चर रहता है बनाने का वो वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, ईटीसी ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स होते हैं, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तुम नदी में कब नहीं नहाते हो, व्हेन डू यू नॉट वॉक इन अ रिवर। क्या मोहन साइकिल नहीं चलाता है, डज मोहन नॉट राइड ए बाइसाइकिल। आप इन स्ट्रक्चर की हेल्प से और भी काफी उदाहरण बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसी ही अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।